तो घूंघट वाली भाभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसन बाराती न देखा आज तक जी, करे धक्का धक। अभी आपको राधा जी से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लाली रंग गेंदावाए दूल्हा। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। दोस्तों आज यहां पर देख रहे हैं कि बहुत ही फेमस राधा श्रीवास्तव जी और इधर एक घूंघट वाली भाभी। तो सबसे पहले राधा श्रीवास्तव जी पहले ही बोले कि मैं पहले घूंघट वाली भाभी से ही मैं गीत सुनने वाली हूं। तो सबसे पहले आपको घूंघट वाली भाभी, आपको राधा जी से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप राधा जी के लिए एक सुंदर सा गीत सुना दीजिए, गाली उली मत दीजिएगा इनको, क्योंकि आपके ननद समान ही है। अरे लाली रंग गेंदावाए दूल्हा, गुलाबी रंग हो गेंदावा। अरे लाली रंग गेंदावाए दूल्हा, गुलाबी रंग हो गेंदावा। अरे एक सूटा मर लाए दूल्हा, दूसरा सूटा हो मराला। अरे तीसरे सूटा मर लाए दूल्हा, गिरा ले जमुना हो तेरावा। चलिए, बहुत ही अच्छा घूंघट वाली भाभी है राधा श्रीवास्तव जी। आप तो एक बहुत ही फेमस है, मगर घूंघट वाली भाभी आपके साथ आई है, तो कैसा लग रहा है आपको ये गीत सुनकर और इनसे मिलकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब जो हमारे गांव में जो महिलाएं हैं, मतलब बहुत अच्छा गाती हैं और अपने लोक कलाओं को, अपने परम मतलब जो पारंपरिक गाने हैं उनको वो जानती हैं, लेकिन वो लेके आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि कोई साधन नहीं होता है। तो आप उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि एक जो जो अपनी लोक संस्कृति है, जो अपने पुराने पुराने जो गाने हैं उनको आप दिखा रहे हैं, और मतलब हमारे गांव में और हमारे मतलब हमारी जो परंपरा उसमें है कि हमारे जो घर की बहू बहुए होती हैं, हमारे घर के जो औरतें होती हैं, मतलब वो संस्कार है कि वो घूंघट करके रखती हैं, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा गाती हैं। तो घूंघट वाली भाभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में भाभी बहुत अच्छा गा रही हैं। तो ये हमारी जो नानी दादी हैं ये सब उन्हीं से मिला हुआ है ये सब चीज़, तो भाभी से सुनने को मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार एक और जो गीत है जो आप सुना देंगे, जो आप लोकगीत में अपना गाते हैं। तो और आज मैं यहाँ पे शो के लिए आई थी और आपने घूंघट वाली भाभी से मिलवा दिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है घूंघट वाली भाभी से मिलके। और तो मैं भाभी के लिए भी एक और गीत गाऊंगी, ऐसन बराती ना देखा आज तक, क्योंकि भाभी बहुत ही अच्छा पारंपरिक गा रही हैं, और मतलब मेरी भी यही कोशिश है कि पारंपरिक गानों को लेके आगे लेके आऊँ। तो एक बहुत ही सुंदर सा विवाह गीत है, मैं सुनाती हूँ। अरे ऐसन बाराती न देखा आज तक जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बाराती न देखा आज तक जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। अरे केहू के एक आँख केहू के कोना, अरे जी हाँ के एको नय उत्ता के टका टक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहा, और मैं आपको बताऊं कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इन लोग को जाना है कहीं और मगर हम जरूर इनसे मिलेंगे मुंबई में, और बहुत ही जल्द आपको घूंघट वाली भाभी और इन दोनों का तकरार होगा, मगर आपको इंतज़ार करना होगा। तो हम चलते हैं और एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।